हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी के बज गए दस। मैं आज आप लोगों को बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, बहुत मज़ेदार है। आज मैं अपने घोड़े से जा रहा हूँ मेला देखने के लिए। तो मैं आज आप लोगों को मलवाड़ी पाठशाला ले जा रहा हूँ दोस्तों, अपने नैना के साथ। मैं जा रहा हूँ, नैना जा रहा हूँ और आदिशेखर। तो आप लोग को दोस्तों चलिए, मैं आज बहुत भव्य मेला है तो आज भव्य पंडाल में आप लोग को घुमाया था दोस्तों। वेटिकन सिटी बना है मलवाड़ी पाठशाला में, वही हम लोग जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, कैसे होता है दिल? आओगे हम राहुल, इट्स ओके ना? ओके, गिराना मत भाई। नहीं गिराएंगे यार, तुम इतना दिन बैठा है। चलो 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 चलो, अरे चलो ना। देखिए हम भी एक घोड़ा पे आ गए काजल पे। फाइनली दोस्तों आप हमें देख सकते हैं, हम भी एक हॉर्स पे हैं। ऐसा अरे नहीं नहीं, हम काजल तुमको गिरा दी। हाँ तुम आगे नीचे, सही बात है। तो आप ये बैठने डर क्या कर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारा पर्वती का अंदर का दुर्गा मंदिर। यहाँ घोड़ा ले जाएंगे तो भोकाल टाइट हो जाएगा, मीन्स भीड़ बहुत है तो आई डोंट थिंक ही क्रॉस कर पाएगी नैना। तो इसीलिए हम लोग आपको वापस आते वक्त दिखा देंगे पर्वती की दुर्गा माँ का दर्शन कर पा देंगे। फिलहाल अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये छोटे सब्सक्राइबर आपके। मलवाड़ी पाठशाला, ये भागलपुर का बहुत ही भव्य सजावट होता है यहाँ पे मलवाड़ी पाठशाला में। आज हम लोग क्रेजी करने वाले हैं हॉर्स के साथ। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ है हमारे मामा जी और उनके साथ है उनकी घोड़ी नैना, और वो सीना ताने हुए सीन पे बैठे हुए हैं, आगे राजकुमार की तरह चलते हुए। राजकुमार घुमाए हैं, हाँ वेटिकन सिटी आज हम लोग घुमाने वाले हैं आप लोगों को दोस्तों। हम नहीं और हम घोड़ियों को भी घुमाएंगे वेटिकन सिटी, नैना को। सबको ही घोड़ा 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 प्रशंसक घोड़े के। हाँ 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 स्लो स्लो शांत एकदम मस्त, भीड़ में ना कुछ दिक्कत होए। इसी बहाने हम भी घूम ले, बाइक भी घूम ले। ये कहाँ आ गए हम लोग शहरी दुनिया में घोड़े से। हमारे इधर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं है दोस्तों, इससे कई बड़ी है, तो छोटे पर रहे। ये वही खलीफा बाग चौक है जहाँ पे कभी भीड़ हुआ करता था सैकड़ों में, और आज देखिए कितना सन्नाटा है। यार हमारे नैना के लिए स्पेशली खाली करवाया गया है, हमने पुलिस अधिकारी से बात किए हैं कि प्लीज़ रास्ता क्लियर रखिएगा वरना हमारी नैना को दिक्कत हो जाता है। ये फैक्ट की बात है।
चाट खाने चले क्या घोड़े को लेके? आप कमेंट करिए दोस्तों, कल हम लोग विसर्जन में चाट खिलाएंगे। क्या ये क्रॉस हो पाएगा? क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। ओ वाह गाइस, हम लोग घुसने वाले हैं हॉर्स के साथ। चलो चलो, लोगों की आंखें पंडाल छोड़ के आप पे आ गया। और ये देखिए वेटिकन सिटी, इधर देखिए एक बार, इधर देखिए, इधर देखिए। भीड़ में जाना हाँ दिक्कत होगा, हम लोग बस घोड़े से आ गए घूमने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग वेटिकन सिटी आ चुके हैं अपने घोड़े लेके। तो ये बहुत बड़े भव्य पंडाल है। तो मैं जो दुर्गा माँ की प्रतिमा है वो मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये यहाँ से एंट्री गेट है। देखिए महिला की लाइन में वो क्या कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग है, ये पुरुष की लाइन है। तो हम वो आदमी हम देखे जाते हैं उधर से। यहाँ शाम के टाइम में काफ़ी भीड़ होता है, तो थोड़ा सा आने के लिए इम्पॉसिबल हो जाए, इसलिए हम लोग सोचे सुबह आते हैं। अब सुबह एकदम शांति से देखा, ये देखे अब ये जो भागलपुर के हैं सबसे बड़े टॉप। तो दोस्तों फाइनली आप लोग को देखे हम घुमाए भव्य पंडाल हमारे पाठशाला वेहिकल सिटी। तो अब हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ से निकल के आगे जा रहे हैं। दोस्तों मैं आगे का भी आप लोग को दर्शन करवाते हैं, कुछ मंदिर और बचे हुए हैं तो वहाँ भी हम आप लोग को दर्शन कराते हैं। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे, पहले हम मंदिर में आपको दर्शन कराते हैं, यहाँ से भी हम डायरेक्ट जाएंगे मंदिर में। वहाँ भी बहुत पंडाल बने हुए दोस्तों, वहाँ भी आप लोग बने वहाँ। मनरोजा एंट्री। या गाइस फाइनली हम लोग मनरोजा के तरफ आ चुके हैं मारवाड़ी पाठशाला जाने के बाद। तो हम आपको दिखाते हैं मनरोजा का पंडाल, यहाँ पे उतरना मुश्किल होगा। दोस्तों ये जो पंडाल है ये चंद्रोदर मंदिर का है, जो वृंदावन में बनने वाला है, सबसे लंबा आज तक का पंडाल होने वाला है, मतलब मंदिर होने वाला है। ये वृंदावन में बनेगा, उसी का पंडाल का एक डैम मतलब वो छोटा वाला बनाया है। यहाँ पे आई डोंट थिंक पॉसिबल है लगाना। उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगले ब्लॉग में मिलते हैं जल्द, अभी के लिए बाय बाय।